عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واجب الاحترام علماء کرام حاضرین اعزام خواتین ملت عزیز بچوں حسب عادت بہت سارے بھائیوں کی فرمائش بھی ہے میں اپنی لکھی ہوئی ایک نعت پاک بالکل سہل انداز میں اس کے چند بند آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اس کے بعد خواتین کے تعلق سے جو میرا عنوان ہے مردوں کے لیے بھی بہت ساری قیمتی باتیں آئیں گی انشاءاللہ ایک کثیر تعداد میری بہنوں کی موجود ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میں کہہ سکتا ہوں مردوں کے مقابلے میں کثیر تعداد میں ہماری بہنیں اس اجلاس میں تشریف لائی ہیں کوئی بھی محمد سا پیارا نہیں ہے کوئی بھی محمد سا پیارا نہیں ہے کوئی ان کے جیسا دلارا نہیں ہے کوئی بھی محمد سا پیارا نہیں ہے محمد ہمارے دلوں جان سے پیارے دلوں جان سے پیارے وہ لالو گوہر آ مینا کے دلارے آمینا کے دلارے وہ دادا کی نظروں میں تھے چاند تارے وہ دادا کی نظروں میں تھے چاند تارے بشر کوئی ان سا نرالا نہیں ہے کوئی مصطفیٰ جیسا پیارا نہیں ہے کوئی مصطفیٰ جیسا پیارا نہیں ہے کوئی ان کے جیسا دلارا نہیں ہے یہ خورشید و انجم
गुलों का तबसुम, गुलों का तबसुम, ये कोयल की बोली, ये बारिश की रिमझिम, ये बारिश की रिमझिम, ये हरियालियां, ये बहारों का मौसम, ये हरियालियां, ये बहारों का मौसम, रुखे मुस्तफा से फजू मेरे हमदम, निगाहों में दिलकश नजारा नहीं है कोई मुस्तफा जैसा प्यारा नहीं है कोई उनके जैसा दुलारा नहीं है बहुत आए मोहसिन बहुत आए रहबर बहुत आए रहबर बहुत आए दुनिया में गम खार बनकर गम खार बनकर ऐ अजमल मेरे प्यारे आका से बढ़कर ऐ अजमल मेरे प्यारे आका से बढ़कर कोई बेकसों का सहारा नहीं है कोई मुस्तफा जैसा प्यारा नहीं है कोई उनके जैसा दुलारा नहीं है। हजरत इस्लाम से पहले पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे थी, जलालतों गुमराही की दलदल में डूबी हुई थी, खाल खाल लोग अल्लाह वाहिद की इबादत करने वाले थे, माबूदाने बातिला की परस्तिश खुले बंदों हो रही थी, कहीं देवी देवताओं की परस्तिश हो रही थी, कहीं पत्थरों और मुजस्समों की पूजा हो रही थी, कहीं पे शम्स व कमर कवाकिब व नुजूम की परस्तिश हो रही थी, और कहीं पे अहरमन और यजदा नूर और जुल्मत का खालिक जिन्हें मानते हैं उनकी पूजा हो रही थी, कहीं पे लात उज्जा मनात की परस्तिश हो रही थी। अरब के लोग दीन इब्राहिमी पे होते हुए भी इन्हें भी बुत परस्ती का चस्का लग गया था, इनकी बुत परस्ती का आलम यह था कि ये अपने माबूद को जेबों में लेकर फिरते थे, झोले में रख के सफर में जाते थे, सफर में खाना और तोशा भूल जाते थे, लेकिन अपना माबूद साना नहीं भूलते थे। सनन दारमी की रवायत है कि जमाने जाहिलियत में आदमी अपने कुत्ते की तो परवरिश कर लेता था लेकिन बच्चे को कत्ल कर देता था, और जब ये सफर करते थे तो तीन पत्थर अपने साथ जरूर जरूर ले जाते थे, दो पत्थरों पे हंडिया पकाते थे और एक पत्थर पूजने के लिए, और अगर इन्हें पत्थर कोई उससे बढ़िया मिल जाता था तो उस पत्थर को वहीं फेंक कर वो दूसरा नया पत्थर जो उससे खूबसूरत होता उसे लेकर उसकी पूजा करने लगते थे। कैसी कंडीशन रही होगी जरा आप सोचिए। दीन इब्राहिमी पे थे लेकिन इक्का दुक्का शायद कोई आपको मिलता
जो सही मानों में दीन इब्राहिमी पे कायम रहा हो। जैद बिन अमर बिन नुफैल के बारे में आता है कि ये दीन इब्राहिमी पे थे। और मसीहियत पे भी चंद लोग खाल खाल ऐसे मिलते जो सही मानों में मसीहियत पे कायम रहे हों। पूरी दुनिया में तारीकी थी, पूरी दुनिया कुफरों शिर्क की दलदल में धसी हुई थी। इंसानियत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इंसानियत मौत की दहलीज पे दस्तक दे रही थी। ऐसा लगता था कि इंसानियत अब दम तोड़ेगी कि तब दम तोड़ेगी। मौत और हयात की कश्मकश में थी। ऐसे में अल्लाह ने बड़ा करम किया इंसानियत पे कि अपने आखिरी नबी और रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में मबूस फरमाया। कुरान ने इस एहसान अजीम का तज़किरा किया है। لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم। अल्लाह जल्ला शानहू ने मोमिनों पे बड़ा करम किया, बड़ा एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया। यतलु अलैहिम आयातिही, जो उनके अल्लाह की आयतों की तिलावत करते थे। वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते थे, गुनाहों से उन्हें साफ करते थे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और वो नबी उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते थे। वइन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन, अगरचे लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे, जलालत में थे। मेरे भाइयों सोचो, अगर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दुनिया में मबूस न करता तो इंसानियत की कहानी कब का खत्म हो चुकी होती, इंसानियत दम तोड़ चुकी होती। लेकिन मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए, आपने लोगों को जीने का हौसला दे दिया, बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह वाहिद की बंदगी की तरफ ले आए, मुख्तलिफ मजाहिब के जोर सितम से निकाल कर इस्लाम के अदल व मसावात के साए में ले आए। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्रो नजर बोलने लगे, बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ जेरो जबर बोलने लगे, बोलने लगे। चुप थे वो जिनको अपनी फसाहत पे नाज था, फसाहत पे नाज था, चुप थे वो जिनको अपनी फसाहत पे नाज था, जब आमिना के लखते जिगर बोलने लगे, बोलने लगे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था कि उसने मोहम्मद अरबी को नबी और रसूल बना के भेज दिया। आपने लोगों के सीनों से, लोगों के घरों से पहले कुफर और शिर्क की खलाजतों को दूर करना शुरू किया। जब लोगों के अकीदे सुधरने लगे, आपने लोगों के अखलाक पे मेहनत की, लोगों के अखलाक को सुधारने और करने पे आपने मेहनत की। उसके बाद जो मुआशरती और समाजी बुराइयां थी, मेरे भाइयों कौन सी बुराई अरब के मुआशरे में, बल्कि पूरी दुनिया का अगर आप जायजा ले लें, कौन सी बुराई थी जो नहीं पाई जाती थी? लूट मार, कत्लो गारत गरी, शराब नोशी, अय्याशी, जुआ और तमारबाजी का आम रिवाज हो चुका था। किस बयानी झूठ का गलबा हो चुका था। सच बोलने वाले लोग बहुत थोड़े हो गए थे। लोग एक दूसरे का गिरीबान पकड़कर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। मसलहत कोशी, खुद गरजी का दौर दौरा था। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया,
दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जहां जहां भी करप्शन था, बदउनवानियां थी, बुराइयां थी, और जहां जहां पे मजालिम थे, एक एक का खात्मा करना आपने शुरू किया, और दुनिया ने देखा चंद सालों की मेहनत के बाद वो दिल जो बुग्ज और नफरत और कीना की आमाजगा बने हुए थे, आज उन दिलों में उल्फत और मोहब्बत के फूल खिल रहे हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब वही लोग एक दूसरे के भाई भाई बन चुके हैं, बाहम शीरो शकर हो चुके हैं, मोहब्बत का आम रिवाज होता जा रहा था। कायनात के इमाम की दूररस निगाहों ने देखा एक दुखियारी है, एक बेचारी है, जिसे दुनिया सिंफ नाजुक के नाम से जानती है, वो औरत है, वो औरत जो आबगीना है, जो एक झटके से टूट जाती है, वो औरत जो फूल की तरह है। देखा आपने औरतों पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने जिस माशरे में आंखें खोली थी, औरतों पे जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई थी मेरे भाइयों, और सिर्फ अरब के इन नाखादा देहातियों और बद्दुओं की बात मैं नहीं करता, पूरी दुनिया की हिस्ट्री और तारीख का मताला कर लीजिए, क्या चीन, क्या मिस्र, क्या यून, क्या यूनान, क्या रूम, हर जगह तो सिन्फ नाजुक पे मजालिम ढाए जा रहे थे। यूनान और रूम की तारीख बड़ी शानदार तारीख उस जमाने में मानी जाती थी, मगर इनकी घटिया सोच का आलम यह था कि यूनानियों के वहां औरत सिर्फ लज्जत अफरीनी का एक जरिया थी। डेमोस्थन एक बहुत बड़ा यूनानी मुकर्रर और लीडर गुजरा है, वो लिखता है कि हम नऊज बिल्ला फाहिशा और जानिया औरतों के पास लज्जत के लिए जाते हैं, और गर्ल फ्रेंड इसलिए रखते हैं ताकि हमारी सेहत बनी रहे, नऊज़ुबिल्ला मिन ज़ालिक, और बीवियां इसलिए रखते हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो पैदा हो वो लीगल हो, कानूनी हो, इसलिए हम सिर्फ बीवियां रखते हैं। जिस मुआशरे की सोच इतनी घटिया हो जाए, आप सोच सकते हैं। सुकरात का नाम आपने सुना होगा, सुकरात बुकरात का नाम आपने सुना होगा, सुकरात भी बहुत बड़ा जो ग्रीक यानी यूनानी जो साइंस दा था, वो एक जगह लिखता है कि औरत की मिसाल उस खूबसूरत दरख्त की तरह है, इसका फल बाहर से बड़ा खुशनुमा नजर आता है, लेकिन अंदर से इतना कड़वा होता है कि परिंदे जब खाते हैं तो मर जाते हैं। कोई औरत को डाइंग कह रहा था, कोई औरत को नाग बता रहा था, कोई औरत को हर शर्रो फसाद और बुराई का मस्दर करार दे रहा था। रूमियों की हालत यह थी, औरत बिल्कुल हकीर और जलील चीज थी रूमियों के वहां। रूमन लेडी के शौहर और बाप को यह हक हासिल था कि जिसके साथ चाहे वो औरत को फूटी कौड़ी के अवज बेच सकता है। औरत चंद कौड़ियों में बेची और खरीदी जाती थी। अहले चीन की निगाह में ये औरत जानवरों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी, मार्केट में बेची खरीदी जाती थी। यहूदियों के वहां कहते थे जब औरत नापाक हो जाती थी ना उज्र की हालत में, न खिलाते थे ना अपने बिस्तर पे सुलाते थे, और ये कहते थे कि इसी औरत ने हव्वा की शक्ल में हजरत आदम को गुमराह किया और जन्नत से निकलवा दिया, इसलिए औरत का वजूद इस धरती पर मनहूस है और मायूब है। यहूदियों का नजरिया था, ईसाइयों का नजरिया यह था। उनके वहां तो जो बैचलर होता है गैर शादी शुदा, वो शादी शुदा से अफजल होता है, शादी शुदा से अफजल होता है। एक कॉन्फ्रेंस बहुत पहले बुलाई गई थी गालिबन 1805 में, ये बहस करने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर बुलाए गए थे उस कॉन्फ्रेंस में कि औरत इंसान है या हैवान।
नऊज बिल्ला मिन जालिक। इतनी घटिया सोच। औरत इंसान है या हैवान? तमाम स्कॉलर्स मुहक्किकीन बहसो तमहीज के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, औरत इंसानी है, लेकिन उसे मर्दों की चाकरी के लिए, मर्दों की खिदमत गुजारी के लिए पैदा किया गया है। अब जिन कौमों की तारीख इतनी शानदार थी उनका जब ये आलम था तो आप सोचिए अरब के वो नाखादा, वो बद्दू, वो देहाती, वो तहजीब ना आशना, उनका क्या आलम रहा होगा जिनका जुग्राफिये के नक्शे पे कोई वजूद ही नहीं था। वो अरब के बद्दू औरतों के बारे में कितना घटिया अकीदा रखते रहे होंगे। आपने बारहा ये बात सुनी होगी कि औरतों को बाज कबाइल बच्चियों को फूल जैसी मासूम और नन्ही मुन्नी कलियों को मसल दिया करते थे और पैदा होते ही उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ये अरब के सारे कबीले नहीं करते थे लेकिन बाज कबीले करते थे। इसीलिए कुरान कहता है वइदा बुशरा हदहुम बिल उनसा जल्ला वजहु मुसवद्दन वहुवा कज़ीम। उनमें से जब किसी को लड़की की बशारत दी जाती थी उसका चेहरा धुआं हो जाता था, मारे गम के उसका चेहरा सियाह हो जाता था, वो लोगों से छुप छुप के फिरता था। क्या करे, इस जिल्लत को बर्दाश्त करे या इस बच्ची को कहीं मिट्टी में दबा दे, क्या करे। कुरान कहता है अला सा अमा यहकुमून, कितना बुरा फैसला करते थे। शायर ने उसी का नक्शा खींचा है। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर तो खौफे शमातत से बेरहम मादर, फिरे देखती थी जो शोहर के तेवर कहीं जिंदा गाड़ाती थी उसको जाकर, वो गोद इतने नफरत से करती थी खाली जने सांप जैसे कोई जनने वाली। मेरे भाइयों ये जुर्म सिर्फ मर्द नहीं करते थे। हजरत इब्ने अब्बास लड़कियों की पैदाइश को इतना मनहूस साबित कर दिया गया था। हमारी बहनों औरतों के दिलों में भी ये बात बैठ गई थी कि बच्चियों को दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए जब कोई औरत हालत हमल में होती थी पहले से गड़ा खोद के रखती थी, और जब जचगी का वक्त आता था, बच्चे की पैदाइश का वक्त आता था, उसी गड़े के पास चली जाती थी, और अगर वो बेटा होता था तो उसे जिंदा रखती थी, और बेटी होती थी तो उसी गड्ढे में टपका कर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देती थी। ये हाल मेरे भाइयों ऐसे तीरो तारीख माहौल में जब इस्लाम का नैयरे ताबा तुलू होता है, इस्लाम आता है, इस्लाम ने औरतों को इतना आला और इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया कि दुनिया में जीने का सलीका सिखा दिया, सर उठा के जीने का हक इस्लाम ने दे दिया। अरे इस्लाम ने ऐलान कर दिया, औरत जिसे तुम मनहूस समझते हो, जिसके वजूद को बर्दाश्त करना तुम गवारा नहीं करते हो, सुन लो, तुम अगर इंसानियत का आधा हिस्सा तुम मर्द हो तो इंसानियत का आधा हिस्सा ये औरत है। और जिंदगी की गाड़ी, इंसानियत की गाड़ी जिन दो पहियों पे चलती है, एक पहिया अगर तुम हो तो एक पहिया औरत भी है। इनमें से एक पहिया अगर खराब हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। मेरे भाइयों खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी, या अय्युहन्ना सुत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन्ना सुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो खौफ खाओ अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, पहले अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम को बनाया और फिर उन्हीं से उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया, और फिर आदम और हव्वा से बहुत सारे मर्दों और औरतों को जमीन में अल्लाह ने फैला दिया। पता ये चला,
पता ये चला तमाम लोगों की माँ और बाप आदम व हव्वा है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नमन निसाउ शकायकुर रिजाल। सुनन अबू दाऊद किताबु तहारा की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नमन निसाउ शकायकुर रिजाल के अतबार से, जिबिल्लत के अतबार से, औरतें जो हैं वो मर्दों ही के हम पल्ला हैं। दोनों गोया एक ही सोते से दोनों फूटे हैं, दोनों का सोता एक ही है, एक ही सोते से दोनों फूटे हैं, एक ही जड़ से दोनों निकले हैं। एक टहनी जिसे हम मर्द कह लेते हैं और एक टहनी जिसे हम औरत कह लेते हैं। शकाइक उलमा बैठे हैं, शकीका की जमा, शकीक जो है ना अरबी जबान में नजीर या मसील को कहते हैं, हम मिसल होना, बराबर होना। कहा जाता है शकीकुल फाकिहा, आप फल लाते हो ना, एक फल लाते हो उसका आधा हिस्सा काट के एक काश आप एक टुकड़ा फाकी जिसको बोलते हैं ना अलग कर देते हो। अब दो फाकी दो काश, उसको शकीकुल फाकिहा कहा जाता है। तो दोनों में कोई फर्क होता है? सेब का एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, दोनों तो सेम ही सेम होते। तो इंसानियत के नाते जिम्मेदारियां अलग हैं, लेकिन बहैसियत इंसान मर्द औरत में कोई फर्क नहीं। अब तक दुनिया क्या कर रही थी? इस्लाम के जहूर से पहले मर्दों और औरतों को कभी दुनिया ने एक तसव्वुर नहीं किया। औरत जुल्म जबर की चक्की में पीसी जा रही थी, औरतों को सर उठा के जीने का मौका दुनिया नहीं दे रही थी। इस्लाम ने, इस्लाम की आमद के बाद औरतों की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया, एक नया दरवाजा खुल गया, पूरा नक्शा ही बदल गया। जो औरत हकीर और जलील थी, कौड़ियों के एवज बेची जाती थी, वो औरत सर उठा के मुआशरे में जिंदा रहने का हक किसने दिया? मजहब इस्लाम ने दिया। ये इस्लाम की देन है, इस्लाम की बरकत है, जिसने औरत को इतना बुलंद वाला मकाम अता कर दिया। इसी तरीके से आप देखें, इस्लाम की आमद से पहले मर्द लोग ये समझते थे कि भाई नेकियां जो है ना इन पे इजारादारी हमारी है। मजहबी स्थलों पे, इबादत गाहों में मर्दों का इज्तिहाम होता था, औरत बेचारी कहीं किसी कोने खुदरे में दुबकी रहती थी, कहीं मौका मिल गया तो वो भी पूजा पाठ कर लेती थी। मर्द ये समझते थे जैसे दुनिया में कुव्वत हमारी है, सरदारी हमारी है, अल्लाह के वहां आखिरत में भी हम बुलंदो बरतर रहेंगे, हमको बड़ा इनाम मिलेगा। इस्लाम ने इस फर्क को मिटा दिया। औरत अगर साहिबे ईमान है, औरत अगर अमले सालेह में हिस्सा ले रही है मर्द की तरह, तो दोनों के सवाब में कोई कमी नहीं। जो इनाम अल्लाह मर्दों को देगा, वही इनाम अल्लाह औरत को भी देगा। जमाने जाहिलियत में औरतें भी पूजा करती थी, लेकिन मैंने कहा लोग इतना दबा के रखते थे ना, खाने काबा का तवाफ औरतें नंगी करती थी। देखो कभी मौका जालिमों ने कैसा जलील करके रखा था। जमाने जाहिलियत में औरत खाने काबा का तवाफ नंगे करती थी और सिर्फ एक चीथड़ा अपनी शर्मगाह लगा लेती थी और वो शेर पढ़ती थी, अल्यौम यब्दु कुल्लुहु वबाज़ुहु वमा बदा मिन्हु फमा उहिल्लुहु। आज सब कुछ खुलेगा मगर जो खुलेगा मैं उसे हलाल करार नहीं देती। ये औरत की जिल्लत नहीं थी तो क्या थी? और इस जिल्लत का सबब मर्द थे जिन्होंने औरतों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। इस्लाम ने तो नक्शा ही पलट दिया, इस्लाम ने नवेद सुना दी, बशारत सुना दी। अरे ईमान अगर है औरत के सीने में, अमले सवाले भी है, कोई उसे अल्लाह की जन्नत हासिल करने से रोक नहीं सकती है। अल्लाह जल्ला शानहु फरमाते हैं मन अमिला सालिहन मिन ذکرن او انثا وهو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبا
कोई मर्द हो या औरत हो, अगर वो हालत ईमान में अच्छा अमल करें, हम उन्हें खुशगवार जिंदगी की तौफीक दे देंगे। वला नजजियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कोई वो औरत हो या मर्द हो, अगर सीने में ईमान मजबूत है, आमाले सालहा का बैंक बैलेंस मौजूद है, तो फिर ऐसे लोगों की जिंदगी हम खुशगवार बना देंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, और उनके अमल का बदला देंगे। इसलिए मेरी बहनों, अमल के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमल के मैदान में भी तुम अपने जौहर दिखाओ, ईमान के मैदान में भी तुम अपने जौहर दिखाओ। ईमान को कमजोर करने वाली, ईमान को तोड़ने वाली चीजों की भरमार है, खास तौर से इस जदीद दौर में। आज ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, खास तौर से औरतें बड़ी तवहुम परस्त होती हैं, ज़ईफुल अकीदा होती हैं। मेरी बहनों, अपने ईमान को अगर तुमने पहाड़ की तरह मजबूत कर लिया, अगर तुमने अपने आप को बदअकीदगी से बचा लिया, अगर तुमने अपने आप को तवहुम परस्ती से बचा लिया, अगर तुमने अपने आप को बदफालियों के चंगुल से बचा लिया, नहुसत के चंगुल से बचा लिया, तो तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर जज्बा बड़ा नेक है और अमल ही नहीं है, तो मेरी बहनों सुन लो, सिर्फ जज्बा नेक होने से काम नहीं चलेगा। बेअमल दिल हो तो जज्बा से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। और खास तौर से अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस और जामियात का एक जाल बिछा दिया गया है, और मैंने इससे पहले कुल्लिया मरियम के इजलास में भी ये बात अभी चंद रोज पहले कही थी, शेख फारूक उमरी भी तशरीफ फरमा थे, कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस की अव्वलियात में से ये चीज है कि हमारी जमात के गय्यूर, हमारे बुजुर्गों ने ये महसूस किया कि औरतों के ईमान को मजबूत करने के लिए उनको दीनी तालीम से जोड़ना इंतहाई जरूरी है। उनके लिए मदारिस और जामियात का अलग से क्याम अमल में आया, और देखते देखते पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मदारिस और जामियात का एक जाल बिछ गया। उसी की एक कड़ी ये कुल्लिया फातिमा लिल बनात, जो यहां धानुबाग की सरजमीन में आप देख रहे हैं, और इसी तरह नाला सुपारा में कुल्लिया मरियम भी है, और पूरे मुंबई में जामिया रहमानिया है, जामिया इस्लामिया मुमरा है, जहां पे सैकड़ों की तादाद में बच्चियां आज अपनी इल्मी तिश्नगी बिछा रही हैं। मेरे भाइयों, इन मदारिस और जामियात में अकीदा घोल घोल के पिलाया जाता है, तौहीद का जाम पिलाया जाता है। वरना वो गुज़िश्ता जमानों में हमने वो दौर भी अपने बचपन में देखा है। हमारी वालिदा अभी जिंदा है, हमारी अम्मा को लिखना नहीं आता, कुरान पढ़ लेती है, उर्दू पढ़ लेती है। हमने पूछा, अम्मा लिखना क्यों नहीं आता? कहने लगी, बेटा हमारे दौर में मौलवियों ने यह फतवा दिया था, लड़कियों को लिखना मत सिखाओ, वरना पता नहीं क्या क्या लिखेंगी। सिर्फ कुरान पढ़ा दो और उर्दू पढ़ा दो। वो दौर चला गया, जालिमों ने कलम छीन लिया। जिस कलम से अल्लाह ने इल्म सिखाया, अल्लमा बिल कलम, उन मौलवियों ने, क्या कहूं, अकल मारी गई थी कि मेरी वालदा, मेरी दादी, मेरी नानी, इन्हें लिखना नहीं आता। और थोड़ा पीछे अगर जाएं, हमने अपनी दादी और नानी का जमाना भी पाया है बचपन में। दादी से कहता कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ पाती। नानी से कहता कलमा पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, बोलती बेटा जबान नहीं टूटती। हमने मदरसे का मुंह ही नहीं देखा, उनके जमाने में तो मदरसे ही नहीं था। अल्लाह अकबर। दीन की मोटी मोटी बातें अगर उस दौर की कितनी खातून से यह पूछा जाता, दादी नानी बताओ किसकी उम्मत में है, कहती थी जौने चौधरी साहब के खेतवा में काम करी थे, वो नहीं का उम्मत रहा ना, और के कर उम्मत रहा। बताइए मेरे भाइयों, उस दौर में, उस जलालत और गुमराही के आलम में जो औरतें चली गई दुनिया से, उनका हश्र क्या होगा और उसका वबाल किसके ऊपर आएगा। मौलवी उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन फिक्र नहीं,
कि मदारिस और जामियात का जाल बिछा दिया जाता या लड़कियों के पढ़ने का बंदोबस्त कर दिया जाता। ये इल्म का दौर है, रोशनी का दौर है, बच्चियां पढ़ रही हैं और ये इदारा सालसा तक यहां तालीम पहुंच चुकी है। आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे यहां से भी बच्चियां सनद फरागत इंशाल्लाह हासिल करने लगेंगी और मुंबई में ऐसे न जाने कितने निस्वा इदारों की जरूरत है। ये मत सोचिए कि कोटा पूरा हो गया, इसलिए बच्चियों को दीन सिखाइए। खुश नसीब है वो बच्चियां और वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को दीन का इल्म सिखा रहे हैं। ये बच्चियां अकीदा आने वाली नस्लों की तरबियत करेंगी सही अकीदे और मनहज की बुनियाद पे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चों की मुरब्बिया ये होंगी, इसलिए कि इन्हें अकीदा घोल घोल के पिलाया जाता है, इन्हें किताबु तौहीद का दर्स दिया जाता है, इन्हें इब्तदाई क्लास से लेकर फजीलत सानी तक जब तक बच्ची फारिग नहीं हो जाती है। आप हमारे इदारों का सिलेबस और मनहज चेक कर लीजिए, हर क्लास में फजीलत सानी तक अकीदे की किताब जरूर पढ़ाई जाती है और काल अल्लाह काल रसूल का जो दर्स होता है वो तो होता ही है। तो मेरी बहनों खुशनसीब हैं आप। मैंने कहा ईमान अगर है और आमाल सालिहा का बैंक बैलेंस है तो सुनो बशारत, सुनो अल्लाह क्या कह रहा है। फस्तजा लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलुम मिनकुम मिन ज़करिन अव उन्था। जब अहले ईमान अल्लाह से दुआ कर रहे थे रो रो करके, ऐ अल्लाह तू हमें ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अल्लाह ने अहले ईमान की दुआओं को सुन लिया और ये बशारत सुना दी, अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलुम मिनकुम, मैं तुम में से किसी के अमल को अकारत नहीं करूंगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, मिन ज़करिन अव उन्था, बाज़ुकुम मिन बाज़, इसलिए कि तुम्हारी जिन्स एक है। अल्लाह अकबर, कुरान का ये दो जुमला बाज़ुकुम मिन बाज़ तमाम जमाने जाहिलियत के बातिल अफकारों नजरियात को ध्वस्त कर देता है। ये सिर्फ दो जुमला बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम्हारी जिन्स एक है, तुम्हारे दरमियान तफरीक में कैसे कर सकता हूं, मौला फरमा रहा है बाज़ुकुम मिन बाज़। अरे तुम एक ही जिन्स हो, अगर अमल करोगे किसी के अमल को मैं अकारत नहीं करूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए मेरी बहनों अगर जन्नत में तुम आला आला महल चाहती हो तो ईमान मजबूत करो, और अगर शिर्क बिदात की गलाजतें सीनों में है, तवहम परस्तियां हैं, बदफालियों का अकीदा है, नहुसत का अकीदा है, ईमान की कमजोरी है, तो इस्लाह कर लो अल्लाह के वास्ते। तुम्हारे लिए बशारते हैं जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ने एक तो औरतों को हमारे मुआशरे का आधा हिस्सा करार दे दिया, इंसानियत का आधा हिस्सा, और उसके बाद इस बात की जमानत दे दी कि चाहे मर्द हो या औरत अच्छे आमाल करेंगे उनके लिए अजर अजीम हमने तैयार कर रखा है, जन्नत की शक्ल में नेमतें हमने उनके लिए तैयार कर रखी, कोई तफरीक नहीं होगी मौला की बारगाह में कि ये औरत है तो ये मर्द है। मर्द ये सोचे कि तमाम नेकियों पर हम कुंडली मार के बैठ जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, अपने गैर मुस्लिम शनाशाओं के साथ भाग रही हैं। मदारिसो मकातिब की तो नक्काली हो गई, जमाते अहले हदीस के मदारिसो मकातिब को देख करके लोगों ने लड़कियों के लिए मदरसे और मकातिब और जामियात खोलने तो शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी लोगों ने मस्जिदों में औरतों के लिए बैन लगाया हुआ है, अभी भी ईदगाहों से महरूम रखा है, जुमा जमात से वाजो नसीहत और तबलीग की महफिलों से औरतों को अभी भी दूर रखा है। मेरे भाइयों जमीयत उलमाए हिंद ने बड़ा अच्छा फैसला किया और उन्होंने अपने लेटर हेड पे बाकायदा ये जारी किया कि मस्जिदों के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो औरतों के लिए भी एक गोशा बनाए। देर आयत दुरुस्त आयत, काश कि इस तरह के फैसले पहले ले लिए गए होते। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी हमारी मस्जिदें हैं लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि औरतें भी जुमा के अंदर आए, खुतबा सुने और उससे अपने कुलूब अजहान को मनवर करें। जलसों में तकरीरों में ईदैन की जमात में औरतों को हम लोग क्यों लेके जाते हैं? हाँ कुत्ता काटा है का हम लोग काहे औरतों को ले जाते हैं? इसीलिए ना कि हमारी शरीयत कहती है
औरतों को भी ले जाओ, उन्हें महरूम मत करो। हजरत उम्मे अतिया कहती हैं, उमरना अन नुखरिज अल आवातिक वल हुयज व ज़वात अल खुदूर इलल मुसल्ला। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुक्म दिया जाता था कि हम दो शीजाओं को, पर्दे वाली खवातीन को, उज्र वाली औरतों को भी मुसल्ला और ईदगाह लेकर जाए। एक औरत कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हर औरत के पास चादर नहीं होती, हर औरत के पास ईदगाह जाने के लिए चादर नहीं होती। आपने फरमाया, ले तुल बिसहा उख्तोहा मिन जिल्बेहा, उन्हें को चाहिए कि अपने पर्दे में छुपा के लेके जाए, अपनी चादर में छुपा के लेके जाए। लेकिन आज जो ये फैशनेबल बुरका, एक जिस्म इसके अंदर आ जाए, एक ही जिस्म समा जाए तो गनीमत है। कोई अपनी बहन को अपनी चादर और बुरके में छुपा के क्या ले जाएगी। इसलिए आखिरी बात मैं जो कहूंगा अब उसी पे आ रहा हूं कि मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इतना ऊंचा मकाम दिया, तुम्हें जिंदगी जीने का हक अता कर दिया, तुम्हें माल में हिस्सा तुम्हारा दे दिया जबकि तुम्हें वरासत से महरूम रखा जाता था। इस्लाम ने तुम्हें तालीम का हक भी दे दिया। एक हदीस पढ़ देता हूं। औरतों ने शिकायत की, अबर रिजाल बिहदीथ का या रसूल अल्लाह, सारी हदीसें मर्द लेके चले गए, आपकी महफिलों में मर्दों का गलबा होता है तो औरतें दीन कहां सीखेंगी। फजाल लना मिन नफसी का यौमन नाती कफी, अल्लाह के रसूल, एक दिन हम औरतों के लिए फिक्स कर दीजिए, हम उस दिन आपके पास आएंगे, आप हमें वो इल्म सिखाइए जो मौला आपको सिखाता है। आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत, इज्तमिना फी यौम कदा व कदा व मकान कदा व कदा, चलो औरतों तुम फला फला जगह फला फला दिन जमा हो जाना, मैं तुम्हें आकर के तुम्हें दीन का इल्म सिखाऊंगा। तो मेरी बहनों, दीन सीखो और अपनी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत करो। चूंकि मैंने पहले कहा कि डाकू लुटेरे हर तरफ बैठे हुए हैं, आज बच्चियां देख रहे हैं आप, मुर्तद हो रही हैं, भाग रही हैं, खास तौर से जो कॉलेजों में पढ़ने वाली, कॉलेजों की जीनत बनने वाली, जहां मखलूत तालीम है। इसलिए इफ्फत और इस्मत की हिफाजत बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी बहनों। इस्लाम ने तुम्हारे सर पे जो चादर रखी है शराफत की, करामत की, अल्लाह के लिए उस चादर को कभी तार तार न करना और तुम अपनी चादर इस्मत को तार तार नहीं करना, इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसी की बुनियाद पे तुम्हें बड़ा मकाम मिला है। अगर इस चादर को तुमने उतार के फेंक दिया, कसम अल्लाह की, दुनिया में भी तुम्हारे लिए जिल्लत मुकद्दर होगी, आखिरत में भी तुम्हारे लिए जिल्लत मुकद्दर होगी। लेकिन अफसोस, फैशन का ये जो जमाना है, मैं अपनी उन बहनों को नहीं कह रहा, जो हमारी बहनें यहां आज धानुबाग के इस अल्लामा अल्बानी एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर तशरीफ लाई हैं, अरे ये तो शर्मो हया की चादर में लिपट के आई है। मैसेज ये देना है, निगाहें खुली रखो, अपने आसपास का माहौल देखो, अपने रिश्तेदारियों में देखो, पास पड़ोस में देखो, कितनी बुराइयां फैल चुकी हैं। आज फैशन के चक्कर में हमारी औरतें कहां जा रही हैं, हमारी लड़कियां कहां जा रही हैं। मगरबी तहजीब की चमक दमक ने आज इन लड़कियों को अंधा कर दिया है। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियां टिकटॉक पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं, स्टेटस पे अपनी तस्वीरें लगा रही हैं, भेड़िए बैठे हुए हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, तुम तो बड़ी हसीनो जमील हो, अरे तुम्हारा तो हुस्न इस लायक है कि उसका इजहार किया जाए, तुम अपने हुस्नो जमाल को छुपा के क्या करोगी, तुम अपनी तस्वीरें शेयर करो। लड़कियां झांसे में आ जाती हैं, अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, और कितनी तो उन्हें मौका नहीं मिलता तो घर के आंगन में भी नाच लेती हैं, और वहां मौका ना मिला तो घर के छत पे नाच के कोई वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे डाल देती हैं। आप सोचते होंगे कि मुस्लिम लड़कियां इसमें मुलव्वस नहीं है, कसम अल्लाह की, मुस्लिम लड़कियां इस कदर इस फहाशी और बेहयाई के अंदर मुलव्वस होती जा रही हैं। अल्लामानो वल हफीज, आपकी निगाहें अगर खुली हैं तो आप भी इसको महसूस करेंगे। मेरी बहनों, कुरान क्या कहता है, जब आयतुल हिजाब उतरी, हाय हाय, अल्लाह अपने नबी से कहता है,
या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से बिलखुसूस कह दीजिए और अपनी बेटियों से कह दीजिए, मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, जब घरों से निकलें अपने ऊपर अपनी चादरें डालकर निकलें। मेरी बहनों तुम फैसला करो, तीन लोगों को खिताब करके कहा गया, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, बेटियों से कह दीजिए, तमाम मोमिन मर्दों की औरतों से कह दीजिए, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो आप है ना, अगर आप इन तीनों में से अपने आप को पा रही हैं और यकीनन पा रही हैं, तो फिर आप इस हुक्म रब्बानी की तामील क्यों नहीं कर रही हैं। मैं ये नहीं बार बार कहता हूं कि हमारी बहनें जो शर्म हया की चादर में लिपट के आई हैं वो जाके तबलीग करें, बताएं मुआशरे में जो ये गलाजत और गंदगी फैली हुई है, बेहयाई और बेपर्दगी जो फैली हुई है। हाय हाय, हजरते आयशा कहती है रहिमल्लाहु निसा अल मुहाजिरातिल अव्वल, अल्लाह उन पहली मुहाजिरा औरतों पर रहम फरमाए जब कुरान की ये आयत उतरी, वल्यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरतों को चाहिए कि अपनी चादरें अपने सीनों पे गिरा के निकला करें, शककना मुरूतहुन्ना फख्तमरना बिहा, औरतों ने अपनी चादरें फाड़ फाड़ करके उसी को दुपट्टा बना लिया, इंतजार नहीं किया कि घर के मर्द आएंगे तब उनसे कहेंगे हमारी चादर ले आओ, हमारे लिए दुपट्टा ले आओ, हमारे लिए कोई बुर्का और नकाब खरीद के ले आओ। उन्होंने अपनी चादरें फाड़ी और उसी को फौरन उसी से अपने सर को और सीने को छुपा लिया, जर्रा बराबर भी इंतजार नहीं किया। वो औरतें थी, और बनी इसराइल की औरतें हलाक हो गई। सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत बहुत प्यारी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इन अव्वल मा हलक बनू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन अव्वल मा हलक बनू इसराइल, सबसे पहले बनू इसराइल हलाक हो गए, बे अन्न निसा अल फकीरी कानत तुकल्लिफुहु मिन अस्सियाबि वस्सियगि मा तुकल्लिफुहु इमरातुल गनी, गरीब शौहर की औरत अपने शौहर से उन कपड़ों और जेवरों का डिमांड करती थी जो मालदारों की बीवियां करती थीं। हिलाक हो गए बनू इसराइल। हाय हाय, कितनी बहनें दूसरों के घरों में जाती हैं, हाँ, अरे वो फलाने के घर गए रहे ना, क्या सोफा, क्या पर्दा, क्या उनके घरों की जो औरतें जेवरात में लदी हुई थी, और कैसे कैसे शरारे गरारे गहने। अब शौहर गरीब है बेचारा, अब औरत कहती है चाहे जहां से कमा के लाओ हम नाए जाने, ये कौन सा जवाब है। अब चाहे जहां से कमा के लाएगा तो डाका मारेगा ना, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बनू इसराइल की औरतें पहले हलाक हो गईं, इसलिए कि गरीबों की बीवियां अपने शौहरों से उन कपड़ों जेवरात का डिमांड करने लगी जो मालदारों की बीवियां करती थी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक औरत का जिक्र किया, ये हदीस पढ़ के बाद खत्म करूंगा, एक औरत का तज़किरा किया, सही मुस्लिम में यहां से रवायत मौजूद है और पूरी रवायत सही इब्न खुज़ैमा। एक बनू इसराइल में बहुत नाटी निगोड़ी थी, हाँ, कद उसका बड़ा पस्त था, और दो लड़कियां थीं जिनका कद बड़ा ऊंचा था, तो दोनों लड़कियों को तो लोग पहचानते थे जिनका कद ऊंचा था। अब वो छोटे कद वाली बेचारी एहसास कमतरी में रहती थी, जब वो निकलती थी तो कोई उसको घास नहीं डालता था, कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। उसने क्या किया, बढ़ई के पास गई और उसने आर्टिफिशियल दो लकड़ी के पैर बनवाए, फत्तखदत रिजलैन मिन खशबिन, लकड़ी के आर्टिफिशियल मस्नूई पैर बनवाए, और सुनार के पास गई और एक अंगूठी बनवाई। हाय हाय, फत्तखदत खातमम मिन ज़हबिन मुगलकिन मुतबकिन व हशतहु मिस्का, ऐसी अंगूठी कहा सुनार बना के दे उसका अंदर से ढकना हो, उसमें परफ्यूम और खुशबू भरी रहती थी, जब वो मर्दों की महफिल के पास से जब गुजरती ना, तो जब दो लंबी औरतों के बीच से वो नाटी औरत दो लकड़ी के पैर पहनकर खूब ऊंची होकर
जब चलने लगी तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हाँ ये दो ही लंबी थी, तीसरी कहां से आ गई। और जब उनकी महफिल से गुजरती तो ऐसे हाथ झटकती तो वो ढकना खुल जाता, अंदर से परफ्यूम और खुशबू निकलती, जिससे मर्द उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। मेरी बहनों, ये गुल तो बहुत पहले औरतें खिला चुकी हैं, आज हम तो कयामत से करीब हो रहे हैं। न जाने कैसी कैसी फहाशियां और बुराइयां हमारे माशरे में, बेहयाइयां, बेपर्दगी फैली हुई है। मेरी बहनों, अपनी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत करो। मैं इन्हीं मैसेज और इसी पैगाम पे अपनी बात खत्म करूंगा। और मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं दो चार मिसरे हमारी बास बहनों की तरफ से ये फरमाइश है कि वो लड़कियों वाली नज्म के दो तीन बंद मैं आपकी खिदमत में रखता हूं, सुनिएगा। हमारी बास बहनों की फरमाइश है तो मैं सुनाता हूं। किन को आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है। लड़कियों की पैदाइश को बोझ समझने वालों और लड़कों की पैदाइश पे लड्डू और बताशे बांटने वालों, सुन लो। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती है, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती है, अपनी खिदमत से उतर जाती है, अपनी खिदमत से उतर जाती है सबके दिल में। हर नई नस्ल को तहजीब ये सिखलाती है, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती है, आयम है तकद्दुस भी हमारे घर का, इनसे का सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती है, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती है, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती, बेटा होती है पुर नूर चरागों की तरह, बेटियां होती है पुर नूर चरागों की तरह, रोशनी कर है जिस घर में चली जाती है, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है, और लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटों से तवक्को रखने वालों, मैंने ऐसे भी बूढ़ों को देखा है, जब बेटियां ज्यादा थीं तब साहब हमारे का इतनी बिटिया ही ब्याह शादी कैसे हुई। आज कसम अल्लाह की मेरे रिश्ते में ऐसे लोग हैं, बिस्तर पे पड़े हैं और तमन्ना कर रहे हैं, काश कि अल्लाह एक दो बेटी और दे देता। बेटे तो अपनी बीवियों के साथ मस्त मगन हैं, लेकिन बेटियां बारी बारी बूढ़े बाप की खिदमत के लिए अपना अपने अपने ससुराल को छोड़ करके और बारी बारी एक जाती है तो दूसरी आती है, तमन्ना करते अल्लाह और भी बेटी दे देता। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्का
बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती है, और अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती है, अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती है। सामने माँ के जब आती है तो मुस्काती है, इनको आंसू भी तो मुस्काती है। बेटियां तो बाती है। तो मेरी बहनों, अपने मकाम को समझो और अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो, अपनी बच्चियों को दीन का इल्म सिखाओ। अल्लाह से दुआ है कि मौलाए कायनात हमें हमें इन औरतों की, इन बीवियों की सही मानों में, इन बच्चियों और बेटियों की अल्लाह हमें सही मानों में कदर करने की, इनकी अच्छी तरबियत करने की अल्लाह सुभान व तआला हम सबको तौफीक बख्शे। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।